मेरा मन नहीं कर रहा और पढ़ने का, मेरा मन नहीं करता कुछ भी पढ़ने का, बस दिन रात मस्ती करने का मन करता है। मन करता है कि दो चार घंटे और सोशल मीडिया पर ऑनलाइन रहूं। मन करता है सोता रहूं। कभी फ्रेंड्स के साथ मस्ती करने का मन करता है तो कभी टिकटॉक की वीडियो देखने का मन करता है। और इन सब से छूटता ही हूं तो मुझे पबजी की याद आती है और अपना सारा दिन बस बर्बाद ही करते जाता, कुछ नहीं कर पाता। टाइम मिलता है तो निकल जाता हूँ बाजारों में, गलियों में, अपनी झूठी शान दिखाने दो चार दोस्तों के साथ। मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, वो कुछ और रहा है। मैं अपने लाइफ में सक्सेस बनने का सोच रहा था। एक समय था कि मैं अपने सपनों के लिए रात दिन एक कर देता था, पर आज नहीं हो पा रहा है। कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देखता हूँ तो दो चार मिनट के अलावा रह ही नहीं पाता। मैं दो मिनट पढ़ता हूँ और बोर हो जाता हूँ, जबकि सोशल मीडिया, मोबाइल, पबजी और झूठी शान से कभी बोर नहीं हो पाता। भाई बताओ मैं क्या करूँ जो कि अपने टाइम को बर्बाद ना करूँ, अपनी झूठी शान किसी को ना दिखाऊँ। अब कुछ करो भाई, जिससे मैं अपने सपनों के लिए दिन रात लड़ता रहूं। कुछ करो भाई, कुछ करो। अरे दोस्त, मैं इससे कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पेड़ से फल पहले भी गिरते थे जमीन पर, लेकिन उस बात पर किसी ने गौर नहीं किया। उस बात पर गौर न्यूटन ने किया। उसे कई लोगों ने पागल बोला, लेकिन आज वो ग्रेट साइंटिस्टों में से एक हैं। कई कहानी सुनी होगी जिसमें लोग, बच्चे पढ़ने में बेहद ही कमजोर होते हैं, बेकार होते हैं, लेकिन जब अपना वो लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उस लक्ष्य को हासिल करके दिखाते हैं, कामयाबी के शिखर को छूकर दिखाते हैं। क्या तेरे लिए इतना मोटिवेशन काफी नहीं है कि तेरे लिए कोई इंसान किचन में दिन रात खुद से लड़ रहा है? क्या तेरे लिए इतना मोटिवेशन काफी नहीं है कि कोई इंसान है जो सर्दी, धूप, बरसात, ठंडी, किसी मौसम को नहीं देखता, बल्कि तेरे लिए, तेरे अच्छे खाने, अच्छे कपड़े के लिए दिन रात मेहनत करता है? क्या तुझे इतना मोटिवेशन काफी नहीं है कि वो तेरे हर खुशियों का ख्याल रखते हैं? तू भूल जा रहा है ना? सुन मेरे दोस्त, अगर कभी मोटिवेशन कम हो जाए और किसी और मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत पड़े तो जाकर देखना किचन में, एक शख्स तेरे लिए दिन रात 12 बजे रात तक भी तेरे लिए वो काम करता है, तेरी हर खुशियों का ख्याल रखता है, तेरी हर एक छोटी बात को मानता है, और वो तुझसे ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि तू कुछ सक्सेस कर जाएगा। उनके लाइफ में हजार तकलीफें हैं, लेकिन वो तुमसे नहीं कहते हैं। यहाँ तक कि तेरी खुशियों के लिए, तेरे लिए अपने सारे सपने को छोड़ दिए। अरे वो माँ है जो तेरे कामयाब होने की हर रोज फिक्र करती है, हर रोज दुआ करती है। मेरे दोस्त, तू कैसे थक कर बैठ जाएगा? तेरी माँ तेरे जीत के इंतजार में बैठी है, तेरी माँ तेरे जीत के इंतजार में बैठी है। तो दोस्त, प्रॉमिस कर मुझसे कि तू रास्ते में थक कर बैठेगा नहीं, उस महान हस्ती के लिए कामयाबी के शिखर को चूमेगा। अगर कोई फ्रेंड के साथ तुझे घूमने का, पबजी खेलने का या उसकी टिकटॉक वीडियो देखने का मन करे तो बोल अपने मन में, अपने मन को बोल कि मेरे भाई, मेरे यार, मेरे मन, मैं कैसे रास्ते में थक कर बैठ जाऊं? मेरे मन, मेरी माँ को तो मेरे जीत का इंतजार है। जब जब तुझे कोई डिस्ट्रैक्ट करे तो मन में बार बार ये दोहरा, तेरी माँ को मेरे जीत का इंतजार, मुझे मेहनत करनी होगी,
खोल। कामयाबी के शिखर पर मिलेगा ना तू? अगर हाँ तो आप मिलकर आगे बढ़ते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। चलो कुछ बड़ा करते हैं और अपने दिल की बात मोटिवेशन के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहना।